हो गई है तो बेसबॉल तो खत्म हो गई। कि जब आप भारत में क्रिकेट देखते हैं तो आपको बॉल के तमाम वेरिएंट्स याद आना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये बॉल दूसरा होता है, इंग्लैंड दूसरी बॉल से मारता है। अरे भाई तो वो बॉल ले आते, कभी शामी बॉल ले आता है, कभी तुम लोग बॉल ले आते हो। और एक नौजवान बच्चा यशस्वी जायसवाल उस विकेट पे फोड़ रहा है, फाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, चारों शाने आपको चित करके वो अब भी थोड़ा स्लो डाउन होने के बाद भी वो 100 ऊपर का स्ट्राइक रेट रखा हुआ है। तो लगी हुई है लोगों की, ठीक है, जैस बीटिंग भैंस, यानी के झूलेलाल बाबा जायसवाल ये कह सकता है आदमी। अच्छा झूलेलाल ये तो नहीं बोला किसी ने, झूलेलाल तो नहीं कहा ना, झूलेलाल तो नहीं कहा भाई। झूले जायसवाल इज नॉट बेटर देन झूलेलाल, इज इक्वल टू झूलेलाल, जायसवाल इज इक्वल टू झूलेलाल, जी अच्छा। फ्यूचर कौन जो झूलेलाल आज जायसवाल खेलता हुआ नजर आया आपको? 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 9 चौके, अबे क्यों मार रहे भैया, तुझे किसी ने मना किया है? तू भी रोक रोक के खेल गिल की तरह, तू भी सेट हो, तू भी टाइम ले, तू भी बॉल ले, नहीं 3.5 एवरेज स्पिन पहला सेशन, 4.5 दूसरा सेशन एवरेज स्पिन, और उसके बाद ये स्पिन बढ़ती भी चली आ रही थी। और 158 बॉलों में मारा है इंग्लैंड ने पहला 100 रन 158, जबकि इंडिया 18.5 यानी के 115 बॉल है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को मेरी जान? उस 8 ओवर में जायसवाल और रोहित ने कितने रन बनाए और बेसबॉल 11 ने कितने बनाए ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। दे वर गोइंग अराउंड 7 एंड ओवर यार। अबे बेसबॉल की जब से बजी रही है, जब से पाकिस्तान से होके गए वो व्हाइट बॉल करके पाकिस्तान को, उसके बाद नाराजगी, हमें गुस्सा नहीं आया, दूसरी टीमों को आया कि तुमने पाकिस्तान को वर्ल्ड क्लास को इस तरह व्हाइट वॉश किया। बजा दिया पकड़ के इंग्लैंड को इंडिया ने। बेटा ये वही इंग्लैंड है ना जो पिछले 2 साल से बेसबॉल खेल रही है। जिस मुल्क में जाते हैं पहले टीमें कह रही है यार इंग्लैंड नहीं हमारे से पकड़ी जाएगी, यार इंग्लैंड हमसे मुश्किल है कि 10 क्रिकेट में पकड़ी जाए। लोग कह रहे हैं, एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं, दुनिया भर में हर बंदा कह रहा है कि इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में पकड़ना कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो वो जिस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं किसी का भी आगे इंग्लैंड को पकड़ नहीं सकता। लेकिन किसने पकड़ा इंग्लैंड को, किसने पकड़ के इंग्लैंड को उनकी ही क्रिकेट के ऊपर उनका घंटा बजाया, बजाया तो इंडिया ने बजाया। देखा फिर जायसवाल, देखा आपने, बेसबॉल को तो छोड़ दो बेटा, वो बेसबॉल को छोड़ दो, वो जायसवाल देखो, जो यशस्वी जायसवाल ने वो टॉम हार्टी को कोटो लगाई है ना बेटा, उसका जो छनकड़ा बजाया ना पकड़ के, उसका जो घंटा बजाया पकड़ के, उसकी जो कुतूहली की है ना, वो जरा पूछ ले उससे जाके कोई बंदा के किसी बंदे का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ है और पहली बॉल पे छक्का पड़ रहा है, वो बंदा क्या करेगा? वो जब भी उसको बॉल मिल रही है वो बेचारे को कट पड़ रही है, जब भी उसको बॉल मिल रही है उस बेचारे को कट पड़ रही है, पकड़ के बजा दिया। मैं कहता हूँ यकीन करो, तसल्ली के साथ ना, तसल्ली के साथ अंदर डंडा दे दिया उनके, तसल्ली के साथ बता के उनके अंदर घुसा दिया आज इंग्लैंड वालों के, ये वही इंग्लैंड है जिन्होंने अंत चुकी हुई थी बेसबॉल, बेसबॉल छनकड़े पे चढ़ गई बेसबॉल, घंटे पे बाजी की बेसबॉल, मेरे छनकड़े पे आ गई बेसबॉल। ये कौन सी बेसबॉल है जी बेटा? आपसे क्या किया आज आपने? कुछ घंटा नहीं किया आपने, आपसे अब मुझे बता दो, इंग्लैंड ने बेसबॉल खेली है या इंडिया ने जायसवाल खेली है? ये जसवी जायसवाल बेटा जिसका 4th टेस्ट मैच है, वो बंदे ने आपको पहले घंटे में मैच से बाहर कर दिया, इंग्लैंड मैच से बाहर हो गया। अब अगर ये टेस्ट मैच 2-3 दिन में खत्म है, कल इंडिया ने पूरा दिन बैटिंग करनी है। इसे कहते हैं टैलेंट। ये जो हमारे पाकिस्तान में घंटे का टैलेंट घूमने रहा बेटा, ये मेरे छनकने पे बाजू आ गए, घंटा बजा दिया उन्होंने पकड़ के सबका, इसे कहते हैं प्योर टैलेंट, टैलेंट प्लस स्किल जायसवाल ने दिखाया टेस्ट क्रिकेट में, उस इंग्लैंड को मार रहा है जिन्होंने बेसबॉल की बुनियाद रखी हुई है, उस इंग्लैंड को रगड़ा पकड़ के जिसने बेसबॉल की बुनियाद रखी हुई है। अच्छा बेन स्टोक्स ने ना, बेन स्टोक्स अपनी तरफ से बड़ा एमएस धोनी बनने की कोशिश कर रहा था कि मैं रिहान अहमद को एंड पे लाऊंगा, एंड पे लाऊंगा, एंड पे लाऊंगा, और वो आगे अनिल कुंबले बनेगा और वो आउट कर देगा उसको। तो पकड़ के 2 ओवर जितने भी उसने ओवर करवाया ना, उसको तो पकड़ के उधर ही बजा दिया ना जायसवाल ने। जायसवाल ने बेटा बेटा तू किधर छुपा हुआ था, इधर आना जरा, तेरा भी मैं बजाऊं पकड़ के। उसने उसको पकड़ के उधर ही बजा दिया, उसको पकड़ के उधर ही घुसा दिया, उसकी पकड़ के उधर ही ले लिया। उसने तू किसके अति मुलिया, अब मेरे पास वो पाकिस्तानी घंटे आ जाओ, अब वो मेरे पास पाकिस्तान के लंडे के एक्सपर्ट, घंटे के एक्सपर्ट आ जाओ, जो सुबह से ट्विटर के ऊपर बैठ के अपनी अम्मी पेश करवा रहे हो कि जी इंडिया ने जी वो शुएब बशीर को इस वजह से वीजा नहीं दिया कि जी टर्निंग ट्रैक था तो वो आएगा तो वो जी इंग्लैंड इंडिया के बैट्समैनों को आउट कर देगा, इंडिया तो फंस जाएगा, इंडिया के साथ तो ये हो जाएगा, इंडिया के साथ तो वो हो जाएगा। मुझे बताओ शुएब बशीर को वीजा मिला नहीं मिला, उसको वीजा मिल गया वो दूसरे टेस्ट मैच में ज्वाइन कर लेगा टीम को, मुझे बता दो जो। अच्छा इंग्लैंड की पूरी टीम क्या शुएब बशीर पे डिपेंड कर रही थी? ये जो जैक लीच है, ये जो रेहान अहमद है, टॉम हार्टली है, मार्क वुड है, ये छड़कना लेने आए हुए इधर, मुझे बता दो। ओह माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर रहा है इंडिया, इंडिया के युवा खिलाड़ी। हमने सोचा था बेसबॉल क्रिकेट होगी, इंग्लैंड वाले गोरे बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, जैसे हमें पिंडी मुल्तान और कराची में इन्होंने हमारी टीम को हराते रहे वो वाला काम करेंगे इंडिया के साथ भी। बट इंडिया ने बोला सब्र करो, रुको, जरा हौसला करो। बट जायसवाल, ये जायसवाल ने एक बार फिर हमें अपने शहर में
मुबतला कर दिया है। अपने खिलाड़ी, अपने नौजवान खिलाड़ी, अपना बाबर शाहीन, उनसे इतना प्यार, उनकी बैटिंग में इतनी दिलचस्पी, इतना मजा नहीं आ रहा। जो जायसवाल खेल रहा है, जो आग लगा के रख रहा है, जो दुनिया को हैरान कर रहा है, वो बेसबॉल जो इंग्लैंड ने खेलनी थी, वो जायसवाल ने उनको बेसबॉल का सबक पढ़ा दिया कि भाई इस तरह से बेसबॉल खेली जाती है। बट आज यंगस्टर पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है कि ओह माय गॉड अमेजिंग। मैं कहता हूं जी लुत्फ आ गया आज, मैं कहता हूं कि इसी तरह का वेलकम मिलना चाहिए था इंग्लैंड को कि नेक्स्ट बिग थिंग। अगर मुझे इस वक्त कोई नजर आ रहा है 360 डिग्री क्रिकेट खेलने वाला अक्रॉस द फॉर्मेट, अपनी काबिलियत को, अपनी एबिलिटी को मनवाने वाला, तो वो जायसवाल है। और जायसवाल जैसा कोई नहीं भाई, माशाल्लाह क्या कमाल की आज उसने इनिंग्स खेली है। एंड इट्स अ बिग स्लैप ऑन दोज के जो कहते थे कि जी इंडिया जो है वो अपने मुल्क में उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकता। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस यंगस्टर। यार क्या कमाल की उसने 360 डिग्री हिटिंग की है और बेखौफी से खेला। मतलब इंग्लैंड ने तो बेसबॉल नहीं खेला, लेकिन इंडिया ने बेसबॉल खेल दिया भाई। और मतलब व्हाट अ सुपर्ब इनिंग्स फ्रॉम यशस्वी जायसवाल। मतलब क्या यार, इस बंदे का मैंने कहा ना कि एक यूनिक टैलेंट आया भाई इंडिया के पास, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, और क्या खेलता है यार। मतलब सुपर्ब इनिंग्स फॉर्म है, मतलब ऑन दिस पिच। मतलब वो बंदा ऑलरेडी कैसे बोलते हैं 76 कर चुका है 70 बॉलों पे, 9 चौके 3 छक्के, यानी कि जो एक मतलब फाइट किया इंग्लैंड ने और फाइट कर करके 246 तक वो पहुंचे। उसके बाद जिस तरह से जायसवाल ने सिंगल हैंडेडली इनके अटैक को मतलब टेक अपार्ट किया है, मतलब अमेजिंग बैटिंग फ्रॉम जायसवाल यार ऑन दिस पिच। ही वाज नॉट अफ्रेड टू प्ले शॉट्स एट ऑल। इंडिया बीटिंग इंडिया एट होम इज लाइक यू नो वेरी डिफिकल्ट, सीधी सी बात है। अब ये जो बेसबॉल की बात लेके इतना सीरीज के ऊपर हाइप क्रिएट हुआ है, इंग्लैंड को अब ये देखना है कि भाई हमने किस तरह से अप्रोच करना है। मेरी नजर में सीधी बात है, अगर आपने आज की तरह खेलना है जैसे आज इन्होंने खेला है, देयर आर गोइंग टू गेट एनीवेयर। अब इंग्लैंड को खेलना पड़ेगा और बेसबॉल दिखाना पड़ेगा अपना। बहरहाल आज तो दिखा नहीं पाया बेसबॉल, आज तो जायसवाल ही दिखाना ना, क्योंकि वो मारिए जायसवाल ने। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। देखा जायसवाल की बैटिंग देख के पाकिस्तानी मीडिया का हाल, जायसवाल की बैटिंग देख के दीवानी हो गई पाकिस्तानी मीडिया। जायसवाल, जडेजा, अश्विन बेसबॉल खेलने आए थे इंग्लैंड वाले, दिखा दिया जायसवाल ने बेसबॉल कैसे खेले जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया बहुत तारीफ कर रही है भाई, बहुत तारीफ कर रही है। बहुत अच्छा लगता है कोई हमारे इंडियन प्लेयर की तारीफ करता है। तो मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।